Uh, यहाँ पे जैसे ही बेल रैक होती है तो टीचर सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि चलो हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे और बच्चे आज से पहले लाइब्रेरी में कभी नहीं गए होते मारिया जैसे ही अंदर जाती है तो वो महसूस करती है कि हमारे क्लासरूम से ज्यादा बड़ा तो ये लाइब्रेरी है ठीक है एंड देर वर सो मेनी शेल्स और फुल ऑफ अ एंड इन द वन कॉर्नर वॉज अ कब्बोर्ड फिल विद द लार्ज एंड द ओल्ड वॉल्यूम सींग हर ट्राइंग टू ओपन द द टीचर्स एट दैट्स कबॉर्ड हैजेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन डिड यू नो दैट वी हैव सेट ऑफ दर फाइंड आउट तो मैरी क्या करती है एक बड़ा सा कबड़ देखती है पुराने वॉल्यूम्स का तो वो खुल नहीं जा रही होती तो टीचर बोलते हैं कि यार तुम्हें पता है क्या इसमें क्या है इसमें पूरे पुराने वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं और वेदास के बारे में भी लिखा हुआ है तो मैरी सोच वेदास क्या होता है सो उसके बारे में पढ़ते उसका जो क्वेश्चन हुआ है उसके बारे में वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड यू may हैव हर्ड अबाउट द Vedas. आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा देर आर द फोर ऑफ दैम चार वेदास है हमारे पास ऋग्वेदा समावेदा यजुर्वेदा अथर्व सबसे पुराना वेदा है वो है ऋग्वेदा आज से लगभग 3500 इयर्स पुराना है ऋग्वेदा के अंदर मोर देन द थाउजेंड हाइम्स आई मीन श्लोक देखने जाएंगे तो हज़ार से भी ज़्यादा श्लोक्स है ठीक है जिसका मतलब होता है सुक्तीज हो या फिर अच्छी सेइंग हो वेल सेड हो दिस हाइम्स आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड गौड़ एंड गॉडेस और ये जो श्लोक्स है वो देवी और देवताओं की तारीफ के बारे में है थ्री गॉर्ज आर स्पेशली तीन भगवान स्पेशली जो अग्नि जो फायर के भगवान माने जाते हैं इंद्र जो बारिश के और वॉरियर भगवान माने जाते हैं सोमा जो प्लांट के देव माने जाते हैं एंड विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर और सोमा मीन्स जिसमें से ऐसा प्लांट जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है दिस हाइम्स वर कम्पोज बाय दस और बहुत ही सारे साधु हुआ करते थे पहले ज़माने में उन्होंने ये हाइम्स बनाए थे प्लीस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड मेमोराइज सिलेबस और जो पुजारी होते थे वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें रटाते थे याद करवाते थे क्योंकि इनका सिलेबस होता था वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस एंड बिट बाई दिट विद द ग्रेट कै और बहुत ही ध्यान रखिए कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मोस्ट ऑफ़ दाइम्स वर कम्पोज थॉट एंड द लर्न बाय द मैन और मोस्ट ऑफ द जो हाइम्स है वो बनाते भी मैन थे और सिखाते भी मैन थे फ्यू वर कम्पोज बाई द वुमेन और बहुत ही कम जो है वो वुमेन कम्पोज करती थी द ऋग्वेदा इज इन द ओल्ड एंड द वैदिक संस्कृत और ऋगवेदा है वो पुराने या फिर वैदिक संस्कृत में है विच इज डिफरेंट फ्राम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दिस डेज और आप जो पढ़ते हैं उससे तो बहुत ही डिफरेंस होता है ऋग्वेदा संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेज देखते हैं संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज अ इंडो यूरोपियन इंडो यूरोपियन की फैमिली का पार्ट माना जाता है संस्कृत को कुछ कुछ लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज जैसे कि आसामी गुजराती हिंदी कश्मीरी सिंधी और एशियन लैंग्वेज है जैसे कि पर्शियन और बहुत सारे यूरोपियन की लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन स्पेनिस उनकी फैमिली से बिलोंग करती है दैट मीन्स दे आर कॉल फैमिली सो मतलब ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती है ये लैंग्वेज इसीलिए ये लैंग्वेज को फैमिली बोला जाता है एंड ओरिजिनली देड अ वर्ड इन कॉमन और उनके वर्ड जो होते हैं वो कॉमन होते हैं जैसे कि टेक अ वर्ड ऑफ मंत्रर संस्कृत में माँ इन हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश ठीक है डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में यूज की जाती है लैंग्वेज वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है मीन्स अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिबो बर्मन फैमिली जिसके अंदर टिबो बर्बन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम बिलोंग टू द ड्रवेडियन फैमिली और अगर लैंग्वेज झारखंड की और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ये सारी लैंग्वेज जो होती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में मानी जाएगी द बुक वी यूज वर रिटन एंड प्रिंटेड द रिग्वेदा वॉज रिसाइटेड हर्ड राधर देन द रीड और ऋग्वेदा के अंदर जो श्लोक हैं जिनको सुने जाते हैं ज़्यादा रीड नहीं किया जाता सेंचुरीज़ पहले कम्पोज किया जाता था ऐसा माना जाता है एंडेड लेसन टू हंड्रेड इक और इनको दो सौ साल पहले प्रिंट किया जाता था ऐसा माना जाता था हेव हिस्टोरियन स्टडी द रिग्वेदा हिस्टोरियन ने रिग्वेदा का स्टडी कैसे किया उसके बारे में देखते हैं हिस्टोरियन जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट है फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू दटीरियल रिमेन दे स्टडी द रिग्वेदा जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे जो भी चीज पुराने जमाने की बची है उन्हें पहले तो एग्जामाइन करते थे रिसर्च करते थे अच्छा खासा बैठ के और फिर उसकी स्टडी करके कोई एब्रीविएशन निकालते थे और रिग्वेदा किस हिसाब से पढ़ा जाता था उसके बारे में देखेंगे सम ऑफ द हाइम्स इन द रिगवेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और ऋग्वेदा के अंदर जो हाइम्स है वो डायलॉग के फॉर्म में है एंड दिस पार्ट ऑफ अ वन सच हाइम्स अ डायलॉग बिटवीन द सेज नेम विश्वामित्रा और इसमें से अगर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो एक डायलॉग के अंदर विश्वामित्र और दो नदियां बात कर रही है एज अ यू नो जो हाइम्स के फॉर्म में श्लोक के फॉर्म में एंड दैट वॉर वर्शिप एज अ गॉड जो नदी दो नदियां बात कर रही है जो नदी के नाम है बियास और शक्लुस जिनको पहले के जमाने में गॉड और गॉडेस की प्रतिभा दी जाती थी मीन्स देवी मानी जाती थी यहाँ पे आपको एक मेन्यू स्क्रिप्ट जो रिग्वेदा में लिखी गई है उसका एक पेज यहाँ पे बताया हुआ है दिस मेन्यू स्क्रिप्ट ऑफ द रिग्वेदा और ऑन द बीच ऑफ अ बाग बॉस फाउंड इन कश्मीर ये कश्मीर में पाई गई है और ये एक ट्री के शेल बार्क के ऊपर लिखी गई है ये लगभग 150 सौ ईयर पुरानी है एंड पहले के जमाने में प्रिंटिंग पैसा तो हुआ नहीं करते थे तो ये लोग हाथ से लिखते थे एंड एज अ वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन और यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे आपको बताया हुआ है इट इज नाउ प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र और आपको ये पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी उसका ट्रांसलेशन देखते हैं विश्वमित्रा एंड रिवर विश्वा ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक अ टू स्विफ्ट हॉर्स लाइक अ टू शाइनिंग काउंस दैट द लिग दर तो यहाँ पे विश्वमित्रा बोलते है कि वो oh, नदियाँ आप माउंटेन के माउंटेन छोड़कर फटाफट आप घोड़े की रफ्तार से मेरे पास आइए like आप समंदर के अंदर एक कैरियर जैसे घोड़े सवार कैसे मूव मूव करता है वैसे करती the power of indra, क्योंकि आपके अंदर का पावर है। आपके अंदर पानी भरा हुआ है और आप बाकी सारी नदियों का मिक्स करोगे मतलब सब आप यूनाइट हो जाओगे नदिया रिवर जवाब देती है कि हम लोग पानी से इसीलिए भरे हुए हैं क्योंकि भगवान ने हमें इसी हिसाब से बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोग फ्लो करेंगे हम स्टॉप नहीं होंगे वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज तो आप हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं सेज तो so, विश्वामित्र बोलते हैं ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम द डिस्टेंस विद हिज कैरियर्स इन द कार्ट लेट्स अ वाटर नॉट टू राइज अबाउ योर अवर एग्जिट सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली बोलते हैं बहने आप मेरी बात सुनिए जो सिंगर यहाँ पे आया है बहुत ही डिस्टेंस पे एक कैरियर पे सवार होके कार्ड पे सवार करके तो आपका पानी उसकी एक्जेल से ऊपर नहीं राइज होना चाहिए हम लोग को उनको सेफली क्रॉस कराना है द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली सो हम लोग यू नो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ से सेफली पार हो जाओ विश्वमित्र अपने बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे बोले कि ठीक है हम यहाँ पे प्रे करेंगे कि तुम सेफली पार हो जाओ और हम लोग मदद करेंगे हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ दिस हाइम्स वॉज कम्पोज इन दिन एरा एरिया वेर द रिवर फ्लोज और हिस्टोरियन ने ये चीज बताई हुई है कि किस हिसाब से रिवर जहाँ पे फ्लो करती थी उनके बीच की जो बातचीत है वो प्रेजेंट की हुई है

कैटल हॉर्स एंड कैरियर्स के बारे में देखते हैं देर आर द मेनी प्रेयर्स इन द ऑफ़ फॉर द कैटल रिकवेड नाम में कैटल्स के लिए चिल्ड्रंस के लिए हॉर्स के लिए बहुत सारी प्रेयर्स है हॉर्सेज वॉज यूक्स टू कैरियर्स डेट वर यूज इन द बैटल्स एंड विच वॉट टू कैप्चर द कैटल पहले के जमाने में हॉर्स को कैरियर के साथ लगाया जाता था दैट मीन्स घूड़े गाड़ी पर लगाया जाता था और बैटल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और जब भी जीत के आते थे तो जो कैटल्स होती थी जहाँ के राजा की वहाँ की कैटल्स को जब्त कर लिया जाता था बैटल्स आल्सो फॉर फॉर द लैंड और जो लड़ाइयाँ थी वो लैंड के लिए भी होती थी और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस थे वहाँ की जमीन के पैशस के लिए जो क्रॉप हो रहे हैं उसके लिए और बाली के लिए टाइप ऑफ अ क्रॉप का नाम दिया हुआ है सम बैटल्स वर फॉर द वाटर एंड टू कैप्चर द पीपल कभी कभी पानी के लिए और लोगों के लिए भी फॉर्ट की जाती थी लड़ाइया पहले के जमाने में सम ऑफ द वेल देट आर ऑप्टेन वॉज स्कीप बाई द लीडर सम वॉज गिवन टू द priest एंड द रेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल कुछ कुछ राजा रख लेते थे और कुछ लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे सम वेल्थ वॉज यूज टू परफॉर्म ऑफ अ एंड सेक्रीफाइज इन द ऑफरिंग वॉल मेड इन टू द फायर कुछ कुछ यज्ञ करने में यूज की जाती थी और कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस के लिए दिस वर्ड मीन फॉर द गॉड एंड गॉड इज ऑफरिंग कुड बी अ घी ग्रेन और केसेज एनिमल कभी कभी घी चढ़ाया जाता था ग्रेन चलाया जाता था और एनिमल को भी फिर यज्ञ के अंदर यू नो डाल दिया जाता था उनकी बलि दे दी जाती थी मोस्ट मैं टुक्स पार्ट इन दिस वॉर मैंस पास ले पार्ट लेते थे वॉर ले के अंदर एंड देर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देर वॉज असेंबली वॉर पीपल मैन एंड डिस्कस मैटर ऑफ अ वॉर और यू नो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी लेकिन असेंबली थी जहाँ पे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे कि वॉर करनी है या शांति रखनी है लीडर चूज़ करते थे जो बहुत ही ब्रेव और स्किलफुल हो आगे की पढ़ाई पार्ट टू तो में करेंगे थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर, कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच